आपका स्वागत है। आज हम आपको इवोल्यूशन टॉवर के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य बताएंगे। 2005 में माल्मो स्वीडन में एक शानदार गगनचुंबी इमारत पूरी हुई और इसने एक आश्चर्यजनक प्रवृत्ति की शुरुआत को चिन्हित किया। टनिंग टोरसो एक शीर्ष स्तर वाली एक अजीबोगरीब इमारत है जो भूतल पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। बेशक यह असामान्य डिजाइन एक समान रूप से दिलचस्प इमारत की उपस्थिति पैदा करता है। इसने दुनिया भर में इस डिजाइन की नकल की है। हम इस निबंध में ऐसे ही एक नकलची को देखेंगे ताकि आप इवोल्यूशन टॉवर के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य खोज सकें। इवोल्यूशन टॉवर के रूप में जाना जाने वाला दिलचस्प गगनचुंबी इमारत मॉस्को रूस में वाणिज्यिक विकास के मुख्य क्षेत्रों में से एक में पाया जा सकता है। जैसा कि आप ऊपर की छवि से देख सकते हैं, इवोल्यूशन टॉवर पूरी दुनिया में सबसे ऊंची संरचना नहीं है। हालांकि यह अपने अविश्वसनीय घुमा डिजाइन के कारण सबसे अधिक पहचानने योग्य है। इस लिहाज से इसकी तुलना लंदन के गेरकिन से की जा सकती है। टावर की 246 मीटर स्थापत्य ऊंचाई और 51 कहानियां। शीर्ष तल समुद्र तल से 220 मीटर ऊपर स्थित है। इसमें 17 लिफ्ट हैं और कुल फ्लो एरिया 82,000 वर्ग मीटर है। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार टोनी केटल, जिन्होंने टॉवर का निर्माण भी किया था, ने फाल्कक व्हील विकसित किया, जो यूके में सबसे शानदार नाव लिफ्टों में से एक है, जो नावों को 79 फीट ऊपर उठा सकती है। इसके अलावा उन्होंने स्कॉटिश संसद भवन और सेंट पीटर्सबर्ग के लगता केंद्र के निर्माण में मदद की, जो पूरे यूरोप में सबसे ऊंची इमारत है। 2005 में पूरा होने पर माल्मो में टनिंग टोरसो के शीर्ष स्तर में 90 डिग्री का मोड़ था, जो उस समय काफी असामान्य था। मॉस्को के इवोल्यूशन टॉवर की शीर्ष 51 मंजिलों को नीचे की मंजिल के संबंध में इमारत के 3 डिग्री रोटेशन के परिणाम स्वरूप 150 डिग्री के कोण पर घुमाया गया है। इस शानदार इमारत का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इसे 6 अक्टूबर 2014 को पूरा किया गया था। इससे पता चलता है कि शानदार टावर 3 साल से थोड़ा अधिक समय में समाप्त हो गया था। इस तथ्य के बावजूद कि यह गगनचुंबी इमारत हमेशा एक कार्यालय परिसर नहीं थी, इस योजना में सिटी पैलेस और यहां तक वेडिंग पैलेस दोनों शामिल हैं। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में महान मंदी के कारण इन योजनाओं को स्थगित कर दिया गया था और मुख्य डेवलपर स्नेगिरी डेवलपमेंट ने उनके स्थान पर एक कार्यालय टावर बनाने का फैसला किया। इसका परिणाम पूरे विश्व में सबसे आश्चर्यजनक कार्यालय गगनचुंबी इमारतों में से एक है। आपको शायद इस बात की जानकारी न हो कि मीनार एक ऐसी संरचना द्वारा समर्थित है जो कभी पुराने मंदिरों को धारण करती थी। एक स्टाइलोबैट एक विशेष प्रकार का वास्तुशिल्प घटक है जिसका उपयोग पहली बार प्राचीन ग्रीस में मंदिर के स्तंभों का समर्थन करने के लिए किया गया था। इस तथ्य के अलावा कि डेवलपर्स को अगस्त 2011 में गजप्रॉम बैंक से $345 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ था, टावर की फंडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि टावर की कुल लागत, जो $446 मिलियन से $520 मिलियन तक थी, आश्चर्यजनक थी। एक अविश्वसनीय $1 बिलियन में टावर खरीदने के लिए राज्य नियंत्रित पाइपलाइन परिवहन कंपनी ट्रांसनेफ्ट के लिए 2016 के वसंत में एक सौदा पूरा किया गया था। कंपनी का वर्तमान मुख्यालय गगनचुंबी इमारत में है। यदि ये संख्याएं सही हैं, तो टावर के कथित रूप से अत्यधिक निर्माण व्यय के बावजूद डेवलपर्स को एक बड़ा सौदा मिला। ये गगनचुंबी इमारत के 2 साल से भी कम समय में बेचे जाने के परिणाम स्वरूप अनुमानित निर्माण लागत से 2 गुने से अधिक के लिए पूरा होने के बाद है। टावर के शीर्ष पर 2 विषम मेहराब हैं, जो 2 वास्तुशिल्प डिजाइन घटक बनाते हैं।
इन मेहराबों के संयोजन के कारण टावर के दो विरोधी पहलू एकीकृत प्रतीत होते हैं। एवोल्यूशन टावर की संरचना के 42 मीटर लंबे मेहराब इटली के पीडमोंट में निर्मित किए गए थे और रूस को खंडों में ले जाया गया था, जो संरचना का एक और अनूठा पहलू है। ऊपरी मेहराब के अपवाद के साथ टावर के अन्य घटकों को एक विदेशी कंपनी द्वारा बनाया गया था। घुमावदार कांच का मुखौटा, जो 60,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, और कोल्ड मिरर सन गार्ड हाई परफॉर्मेंस ग्लास से बना है, एक यूएस आधारित कंपनी द्वारा बनाया गया था। टावर का मुड़ा हुआ कांच का मुखौटा मॉस्को के क्षितिज को 90 डिग्री के कोण पर उल्टा प्रदर्शित करके एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है। मॉस्को में सिर्फ 11वीं सबसे ऊंची, रूस में 12वीं सबसे ऊंची और पूरे यूरोप में 22वीं सबसे ऊंची होने के बावजूद यह संरचना शहर के क्षितिज में सबसे दिलचस्प परिवर्धन में से एक है। हालांकि घुमावदार डिजाइन अब विशिष्ट नहीं है, समान संरचनाओं की कमी शहर के क्षितिज को एक फायदा देती है। पूरी दुनिया में सबसे पहचानने योग्य टावरों में से एक, बिना किसी संदेह के। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।